बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप इसे अपने घर पर इस तरीके से ट्राई कीजिए, बहुत ही जल्दी बन जाती है खाने, बहुत ही टेस्टी होती है। तो यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। यह हमने लिया है 1 कप बेसन और इसमें हम डालेंगे ये 2 पिंच हींग और ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़ी सी हल्दी और इसमें हम डालेंगे ये नमक और 1 चम्मच दही। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे पकौड़े के लिए हम तैयार करते हैं घोल, उस तरह से तैयार कर लेंगे। इसको अच्छे से फेंटना, पकौड़ियाँ अपने आप ही फूली फूली बनेंगी और एकदम अच्छे से जालीदार बनेंगे, किसी सोडे की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ये हमारा घोल तैयार है। कढ़ाई में ऑयल लिया है, मीडियम फ्लेम रखा है और इसे आप चाहे तो स्पून से डाल सकते हैं, मैं हाथ से कर देती हूँ। और हम इसमें पकौड़ियाँ सेक लेंगे। ये देखिए खुद ही फूल रही हैं बिना सोडे के। इसको अच्छे से फेंट लो तो ज़रूरत नहीं पड़ती सोडे की। कभी भी पकौड़े बनाओ तो बेसन को अच्छे से फेंट लो। इसको दोनों साइड से पलट पलट कर अच्छा गोल्डन हम सेक लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। ये सेक गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं और बाकी सभी इसी तरीके से हम सेक लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितने अच्छे से अंदर तक स्पंज है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सिका है ये अंदर तक। यहाँ हमने ली है एक कढ़ाई जिसमें हमने लिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल और हम इसमें डालेंगे हींग, जीरा और ये राई, ये हरी मिर्च, ये 2 साबुत लाल मिर्च, ये हल्दी, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, कलर अच्छा आएगा, तीखा नहीं होता, और ये धनिया पाउडर। सभी मसाले डालते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो रखना। और यहाँ हमने लिए हैं ये 2 टमाटर जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, आप मिक्सी में पीस भी सकते हैं इसे। फ्लेम को लो रखना और इस मसाले को अच्छे से भुनने देना। टमाटर से तेल पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए। यहाँ ये हमारे टमाटर पक चुके हैं, तेल अलग हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो जितने हमने टमाटर लिए हैं उतना ही हम लेंगे दही। दही डालते वक्त ध्यान रखना पहले फ्लेम को लो कर देना, दही को फेंटने की या ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली डाल सकते हो, फटेगा नहीं दही क्योंकि इसमें टमाटर है पहले से। और दही हल्का सा खट्टा हो तो अच्छा आएगा टेस्ट। बस इसको डालते ही लगातार चलाना है, लेकिन दही नहीं फटेगा और फ्लेम को हाई कर देना और जब तक इसे बबल्स नहीं आ जाते तब तक करना। अब आप खुद देखेंगे दही ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गया है और ये बिल्कुल भी नहीं फटा है। तो कभी भी दही की सब्ज़ी बनाएं तो इस बात को ध्यान रखना कि टमाटर डाल देना थोड़े से और दही को इस तरीके से डालना जिस तरह से मैंने बताया है। अब इस ग्रेवी को हम 1 मिनट तक पकने देंगे, फ्लेम को मीडियम कर देना। तो यहाँ ये ऊपर इस तरह से तेल आ गया है, ये ग्रेवी हमारी तैयार है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें 1 ग्लास पानी और ये 2 ग्लास पानी। 2 ग्लास पानी मैंने इसलिए डाला है, एक तो क्या होता है जब हम पकौड़े डालते हैं तो उसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है तो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और इसकी ग्रेवी हल्की सी पतली रहती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रहती है। और अब हम इसमें डालेंगे ये नमक, ये सफ़ेद नमक है, सफ़ेद नमक थोड़ा सा कम डालना क्योंकि हम इसमें काला भी डालेंगे और काला इसलिए डालें क्योंकि उससे एक नेचुरली खट्टापन आता है, वो अच्छा लगता है आपको टेस्ट में। और ये रहा काला नमक और हम इसको 4 से 5 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो अब ये अच्छे से इसमें उबाल आ गया है, अब हम ये पकौड़े डाल देंगे इसमें। और अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक इसमें ही रहने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर और इसको ढक देते हैं ताकि इसकी जो ग्रेवी है अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ ये सब्ज़ी बनकर तैयार है, गैस को हम बंद कर देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला
और ये हरा धनिया, और मिला लेते हैं इसे। तो ये बनकर तैयार है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे रोटी के साथ में या परांठे के साथ में भी खा सकते हैं। यहाँ ये हमारे झटपट दही पकौड़े की सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप इसे अपने घर पर इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही जल्दी बन जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।